नमस्कार, न्यूज 19 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता शर्मा। खबर रतनगढ़ से है, जहां पर थाना पुलिस ने कई दिनों से खड़ी मोटरसाइकिलों का निस्तारण अब प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस मामले में और क्या कुछ देखा जाएगा और इस प्रक्रिया में कौन कौन शामिल रहेंगे, देखिए हमारी खास खबर में। रतनगढ़ पुलिस थाने में लंबे समय से खड़ी मोटरसाइकिलों के निस्तारण की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। सीआई संजय पुनिया के निर्देश में एएसआई सुरेश कुमार इस कार्य को अंजाम देंगे। एएसआई सुरेश कुमार ने बताया कि क्षेत्र में लावारिश हालात में मिली 21 बाइकें लंबे समय से पुलिस थाने परिसर में खड़ी हैं। पुलिस द्वारा इन मोटरसाइकिलों के मालिकों की तलाश की जा रही है, साथ ही वाहन मालिक के मिलने पर जाँच के पश्चात बाइक को उनके हवाले कर दिया जाएगा। वाहन मालिक के नहीं मिलने के अभाव में इन मोटरसाइकिलों की नीलामी की कार्रवाई शुरू की जाएगी। साथ ही लंबे समय से थाना परिसर में खड़ी बाइकें अब जंग खाने जैसी लगी हैं। पुलिस थाना रतनगढ़ में 21 मोटरसाइकिल लावारिश को जब्त की गई है, जिसके वाहन मालिक के संबंध में जल्दी पता कर निस्तारण किया जाएगा। 21 मोटरसाइकिलों का ये काफी दिन से चल रही है लंबित, अब इनका जल्दी निस्तारण किया जाएगा। अगर वाहन मालिक नहीं आया तो पुलिस क्या करेगी? नीलामी की प्रक्रिया करेगी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।